भाजपा का घिनौना खेल देखिए। समन्वय मुर्तजा का ऑडियो वायरल हुआ है अभी सोशल मीडिया पर। उन्होंने फोन पर कहा कि फरवरी मार्च का वेतन मिल जाएगा पर खर्चा पानी दीजिएगा तब। बैकडेट में शिक्षकों के योगदान का मामला, वेतन दिलवाने के लिए 2 से 3 हजार रुपये की मांग का ऑडियो वायरल हो रहा है। अररिया जिले के हड़ताली नियोजित शिक्षक प्राइमरी स्कूलों के वेतन लेने के लिए बैकडेटिंग योगदान मामले का दैनिक भास्कर का खुलासा सच साबित होते दिख रहा है। शुक्रवार को बैकडेटिंग योगदान प्रकरण में एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह ऑडियो जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के चकई संकुल समन्वयक मोहम्मद मुर्तजा और शिक्षक शाहनवाज के बीच का है। इस ऑडियो में गैरकी सीआरसी समन्वयक शंकर नामक शिक्षक भी है। इस ऑडियो में जब शाहनवाज सीआरसी मुर्तजा से पूछते हैं तो मुर्तजा कहते हैं लिख कर दे दीजिए, खर्चा पानी भी दे दीजिए और आपको हड़ताल माफ कर आते हुए पूरा वेतन दिलवा देंगे। यही नहीं, मुर्तजा ने शिक्षक से यह भी कहा कि पूरी फरवरी और पूरा मार्च का वेतन मिलेगा, पेमेंट ले लीजिएगा तब खर्चा पानी दीजिएगा। उन्होंने इस ऑडियो में स्पष्ट कहा है कि खर्चा पानी का पैसा 4 जगह जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पैसा जमाल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी DEO ऑफिस के तारकेश्वर और DPO साहब तक पहुँचेगा। ऑडियो में शंकर ने कहा जहानपुर में बैकडेट में योगदान हो गया। मोहम्मद मुर्तजा और शाहनवाज के बीच वार्तालाप के दौरान ही मुर्तजा ने मोबाइल शंकर नामक सीआरसी को दे दिया। शाहनवाज शंकर से कहते हैं यह सब कैसे होगा। शंकर का जवाब है कि सीआरसी में कुछ आदमी तो किया है और जहानपुर कोऑर्डिनेटर क्षेत्र में सब कर लिया है। शंकर शाहनवाज से कहते हैं कि खर्च 2000 मांग रहा है, पेमेंट तो घुसेगा ही। इसी बीच फिर से मोबाइल मुर्तजा के हाथ में जाता है और शाहनवाज कहता है कि पूरी फरवरी और पूरा मार्च का पेमेंट मिल जाएगा, तभी 2000 से 3000 हमें दे दीजिएगा। 14 अप्रैल को इस बात का खुलासा दैनिक भास्कर ने किया। 48 शिक्षकों के बैकडेटिंग योगदान का प्रकरण का खुलासा दैनिक भास्कर ने 14 अप्रैल को कर दिया था। भास्कर ने यह दावा किया था कि जिले के रानीगंज और जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में इस तरह का खेल अधिक खेला गया है। जोकीहाट में 280 शिक्षकों ने हड़ताल से वापस आकर योगदान किया। इसमें रिपोर्ट बताती है कि 280 से 279 शिक्षक 21 मार्च की तिथि में योगदान किया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जोकीहाट में भी मिलीभगत का कार्य अंजाम दिया जा रहा है।